आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। विजय राघवगढ़ अपना गणतंत्र अपना संविधान है, हमें भारतीय होने का अभिमान है। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में जिला युवा अधिकारी सुश्री कुमारी कीर्तिका कोहर जी के निर्देशन में एवं लेखा कार्यक्रम सहायक श्री राजकुमार जी के मार्गदर्शन में भारतीय संविधान दिवस दिनांक 17 नवम्बर 2020 से 13 दिसंबर 2020 तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 26 नवंबर 2020 को ब्लॉक विजय राघवगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहनिया में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का कार्यक्रम ब्लॉक प्रभारी मनोज कुमार और शिवानी सोनी साथ ही भगत सिंह युवा मंडल के सहायता से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ छाया चित्र पर मुख्य अतिथि कीर्तिका कोहर जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही निर्मला तामिलकार मैडम जी, पूर्व NYV साथ ही सभी अतिथि महोदय जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और साथ ही माजी सर जी के द्वारा बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि सभी को संविधान के लिखे हुए अधिकारों को साथ ही उसके महत्व को बताया तथा संविधान की रक्षा हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व है। साथ ही जिला युवा अधिकारी कीर्तिका कोहर महोदय जी के द्वारा संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निर्मला तामिरकार जी के द्वारा बताया गया कि भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित किया गया और भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया तथा सभी बच्चों को संविधान की पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किए। कार्यक्रम का आभार व्यक्त ब्लॉक प्रभारी शिवानी सोनी जी के द्वारा किया गया। दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो भारत का संविधान है। इस कार्यक्रम में ग्राम के मुखिया संतोष पटेल जी, सरपंच आदेश तिवारी जी NYV, धीरेन्द्र द्विवेदी जी, मंडल अध्यक्ष वीरभान जी, भगत सिंह युवा मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश केवट, सचिव अरविंद लोधी, सह सचिव जितेंद्र तिवारी जी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र विश्वकर्मा, सदस्य राकेश केवट, शिवम तिवारी, संदीप केवट, छोटे लाल एवं रानी लक्ष्मीबाई महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष फूलबाई लोधी, सचिव चंद्रकली और सभी सदस्य एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कलावती लोधी साथ ही ग्रामवासियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कटनी से वीरभान यादव की रिपोर्ट। उद्देशिका होती है संविधान की उद्देशिका में ही संविधान का सारा सार है। संविधान को समझने के लिए अगर किसी ने उसकी उद्देशिका को समझ लिया तो मानो संविधान का सारा सार समझ लिया। इसी संदेश के साथ मैं आप सबके सामने संविधान की उद्देशिका को पढ़ूंगी और आप सब भी मेरे पीछे उन शब्दों को दोहराइएगा। हम भारत के लोग आप सब खड़े हो जाए। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र कटनी द्वारा ग्राम पंचायत रोहनिया विकासखंड विजरावगढ़ जिला कटनी में संविधान दिवस आयोजित कराया गया। संविधान दिवस आयोजित कराने के पीछे केवल एक मकसद होता है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जानकारी मिले। संविधान दिवस मनाने हेतु यहाँ गाँव के सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक एवं युवाओं का हमें बढ़ चढ़कर सहयोग मिला। जय हिंद। क्या नाम लिखते हैं? कुमारी कीर्तिका कोहर, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र कटनी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार।